तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक शुगर केन फार्म। पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे बनाना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, अपने को बनाना है अपना शुगर केन फार्म। तो सबसे शुरू में आपको एक आयरन गोलम टाइप बनाना है, ये वाला ब्लॉक नहीं, ये वाला तोड़ देना है। एक आयरन गोलम टाइप बनाना है क्योंकि अपने को बनानी है रेडस्टोन की क्लॉक जो होती है वो। और बीच में लगाना है अपने को एक रिपीटर, इधर को नहीं दूसरी तरफ को फेस करता हुआ लग जा भाई, इधर को नहीं ऐसे लगाते हैं इधर को लगता हुआ, तो ये लग गया। और आपको एक टॉर्च लगानी है यहाँ पर इस जगह पर, तो ये अपनी चल जाएगा रिपीटर। और एक टॉर्च लगानी है आपको यहाँ पर ऐसे, तो ये वाली टॉर्च बंद रहेगी। यहाँ पर आपको लगा देना है लीवर, तो जैसे ही बंद करोगे बंद हो जाएगी। अब बस आपको और कुछ नहीं करना, ये वाला लीवर, ये लीवर बंद कर देना है ऐसे देखो। और यहाँ पर लगानी है अपने को चेस्ट, अपनी क्लॉक तैयार हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर लगानी है चेस्ट एक ऐसे, ये गलत तरफ को फेस कर रही है ये वाली जैसे। और एक एक चेस्ट लगी है अपनी ऐसे, गलत लग गई भाई ये ऐसे हो गई भाई कनेक्ट। तो ये अपनी चेस्ट कुछ ऐसे लग जाएंगी। तो यहाँ पर अपने को चाहिए होपर, तो होपर निकाल लेते हैं अपना। होपर निकालने बाद आपको लगाना है, क्राउच हो जाना पहले यहाँ पर ऐसे, और एक होपर लगाना है आपको निचली वाली यानी नीचे वाली चेस्ट पे, ये लग गया ऐसे। तो यानी कि जो चीज़ भी गिरेगी वो इसमें कलेक्ट होती रहेगी और नीचे वाले होपर से भी। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को लगाने हैं कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ले लेना अपने जो आपको मर्जी। यहाँ पर एक होपर नहीं लगाना, अपने को लगाने स्टोन ब्रिक। तो स्टोन ब्रिक कुछ ऐसे लगा देने आपने गाइस, या आपको मैंने गलत लगा दिए थे पहले वही स्टोन ब्रिक, आपको कुछ ऐसे लगाने हैं जिस तरफ चेस्ट है उस तरफ ऐसे। तो यहाँ पर लगाने के बाद आपको ऐसे इसको कवर कर देना है, चेस्ट को छोड़ के इसको कवर कर देना। और ये जो बीच में जो होल है यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं रहने वाला। ये जो होपर है क्राउच होकर इसके अंदर आपको पानी डाल देना है। ये मेरा थोड़ा पानी बाहर आ रहा है, यहाँ पर लगेगी अपनी डर्ट क्योंकि इसी के ऊपर शुगर केन उगेगा। तो यहाँ पर अपना पानी भी आ चुका है, अपने डर्ट को पानी भी मिलता रहेगा। तो अब जो आपको लगानी है पिस्टन्स, तो पिस्टन एक ब्लॉक लगाना है, कोई सा भी बिल्डिंग ब्लॉक ले लेना जो आपकी मर्जी। एक ये वाली ऐसे, ये पिस्टन गलत लग गई, ये लग जा भाई ऐसे ऐसे पिस्टन लगा देनी है आपने दो, क्योंकि ये तोड़ती रहेंगी सारे के सारे शुगर केन को जो भी ग्रो होगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अब जो इसको सारे को कवर कर देना है अपने कोई से भी ब्लॉक से। मैं बिल्डिंग ये स्टोन ब्रिक का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रिक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे 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 और यहाँ ऐसे कर देना। और ये वाला जो ब्लॉक मैंने गलती लगाया यार, ये वाला नहीं लगना, ये वाला ब्लॉक अपने को तोड़ देना है। तो यहाँ पर अपना लगेगा डिस्पेंसर, तो डिस्पेंसर लगने के बाद अपना अब जा हमको कर देना है इसको सारे को कवर, डिस्पेंसर को भी कवर कर देना ऊपर से ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कवर करना। ये होपर नहीं खुलना, ये यहाँ से कनेक्ट कर देना साइड से, ये वाला कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आपको जिस सारे को कनेक्ट कर देना है, ये सारे अपनी क्लॉक यहाँ पर रह जाएगी बची हुई। तो यहाँ पर अपना कलेक्ट होने और यह बन जाएगा। तो यहाँ पर गाइस अपने को लगाने हैं ये अब जा देखना, मैं जैसे ही ये यहाँ पर अपने करने हैं अब जा हमें कनेक्शन रेडस्टोन के। यहाँ पर मैंने टॉर्च लगाई और एक लगानी है ये वाली, यहाँ पर नहीं लगानी, ये वाली लगानी है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं चालू करूँगा कुछ नहीं हुआ, अभी अपने को लगाने हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मैं एक रेड स्टोन रखूँगा, ये रेड स्टोन निकाल लेते हैं अपना, जैसे मैं यहाँ पर रेड स्टोन रखूँगा अपनी क्लॉक चालू हो जाएगी। ये देखो ये चालू हो गई। अब हमें कनेक्शन देना है डिस्पेंसर को, तो डिस्पेंसर को कनेक्शन देने के लिए तो गाइस ये मिस क्लॉक बंद गलत बन गई है, ये वाली क्लॉक अच्छे से काम नहीं कर रही क्योंकि कनेक्शन नहीं पहुँचा रही है वहाँ पर तक, ये बीच बीच में कनेक्शन बंद हो जा रहा है इसका। तो अब मैं अपनी क्लॉक बनाऊँगा अपनी तरफ से। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी क्लॉक बना रहा हूँ,
या ऐसे नहीं, ऐसे लगानी है ये, एक ये ऐसे और ये एक ऐसे। तो ये अपने सारे के सारे रिपीटर लग गए यहाँ पर, ऐसे कनेक्शन कर देने हैं इनके। और यहाँ पर अपने को इनको मैं फुल पे सेट कर रहा हूँ अभी, अभी मैं इनको फुल पे सेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो कितने भी टिक पे कर सकते हो सेट। तो यहाँ पर अपनी रेड स्टोन टॉर्च लगा के देखते हैं, नहीं हुई, एक्टिवेट नहीं हुई है गाइस। ये लगता है मेरे से रिपीटर थोड़े से साइड में लगाने मेरे को। तो ये वाला तोड़ते हैं और ये रिपीटर लगाते हैं ऐसे। हाँ आप सही है, अब लगा के देखते हैं यहाँ पर टॉर्च। टॉर्च जैसे लगाएंगे देखो गाइस सारे में जा रही, वहाँ पर नहीं जा रही, यानी कि इस वाले रिव्यू वाले ये वाला रिपीटर गलत लगा हुआ है। तो ये रिपीटर लगाना है अपने को ऐसे, अब सही जा रही है भाई इससे। ये वाला भी तोड़ना है, ये वाला ऐसे लगाना है ताकि ये ऐसे घूमती रही सारे में। इसको भी फुल पे सेट कर देते हैं। ये वाला भी गलत लग गया था, इसको भी लगा देते हैं। ये फिर से गलत लग गया लगता है, नहीं सही है इस बार। तो अब जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगी। मैं पहले सोच रहा था ये वाला रिपीटर की गलत लग गया, ये रेड स्टोन क्यों कनेक्ट हो गया। यहाँ पर ये भी लगा देते हैं, इसको फुल पे सेट किया और ये सारे के सारे पे मैं फुल पे सेट कर देता हूँ। अब अपने को लगानी है यहाँ पर रेड स्टोन टॉर्च। ये जैसे ही लगाऊँगा ये देखो इस बार सही है। ये इसको तोड़ना है अपने को बड़े ध्यान से, और यहाँ पर जैसे तोड़ के यहाँ पर लगा देना है। अपनी क्लॉक चालू हो गई है ये देखो, अभी अच्छे से कनेक्शन पहुँचाती रहेगी वहाँ पर। ये अपनी क्लॉक सही से काम कर रही है। अब अपने को पहुँचाने हैं यहाँ पर कनेक्शन पहुँचाने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ पर ब्लॉक्स कुछ ऐसे, और अपनी ये जो यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट। तो गाइस अपनी यहाँ पर लगा देने हैं जहाँ पर ये पिस्टन ला रही है। मैं पहले पिस्टन्स पे लगा रहा हूँ, तो आपको तीन तीन ब्लॉक्स ऐसे लगा देने हैं, क्योंकि ऐसे अगर कनेक्शन करोगे तो कोई सी भी पिस्टन एक्टिवेट नहीं होने वाली। तो आपको ऐसे ले जानी है, यहाँ पर लगाना है आपको ऐसे, यहाँ पर एक रेड स्टोन पिस्टन के पीछे, और यहाँ पर एक ये रिपीटर लगा देना। और रिपीटर लगाने के बाद इसको जितने भी टिक पे क्लॉक अपनी सेट है उस पे इसे सेट कर देना। तो देखो अपनी जैसे ही मैंने ये लगाया तो अपनी पिस्टन चालू हो गई, तो पिस्टन चालू हो गई है अपनी। तो यहाँ पर अपनी पहले रेड स्टोन की जो टॉर्च है इससे तोड़ लेते हैं हम, और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं, और अपनी सारी इसे पहले ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर। ये का वैसे ये शोर कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को फिर से ऐसे ही करना है, यहाँ पर एक ब्लॉक हमें और ऊपर ले जाना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर ये काम नहीं बनने वाला भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे भी ब्लॉक नहीं लग रहा कोई भी। तो हमें एक एक ब्लॉक और ऊपर उठाना पड़ेगा लगता है। तो मैं सारा तोड़ देता हूँ पहले, और यहाँ पर लगा देना है एक और ब्लॉक ऐसे, ऐसे लगा देते हैं। इसे लगाने के बाद आपको यहाँ पर मैं पहले ही इसे कनेक्ट कर देता हूँ सारे को, ऐसे ऊपर लाना है। यहाँ पर मैं एक रिपीटर लगा के देखता हूँ, रिपीटर यार यहाँ पर नहीं लगने वाला, यहाँ पर रेड स्टोन ही काम करेगा। और अपना यहाँ पर भी रेड स्टोन, और यहाँ पर मैं अपना रिपीटर लगा देता हूँ। और रिपीटर लगाने के बाद ये सारे में अच्छे से करंट जा रहा है। तो अपना यहाँ पर मैं रेड स्टोन डस्ट लगा देता हूँ सारे में, ऐसे पिस्टन के ऊपर भी, तो अब करंट पास होता रहेगा। अब देखो यार दोनों दोनों की दोनों पिस्टन चलनी शुरू हो गई हैं, दोनों एक ही टाइम पर वर्क कर रही हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस अपने को क्या करना है, अपने को लेने अब ग्लास पेन। तो ग्लास पेन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर लगा देना है अपने को ग्लास पेन। तो अपना कुछ अच्छा सा भी लग रहा है फार्म, तो यहाँ पर इसको भी तोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं। अपनी सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, बस अपने को अब जो डिस्पेंसर में बोन मील डाल रह गया है ये वाली, अभी हम बंद कर देते हैं इसको। तो गाइस अब जब मैं निकाल रहा हूँ लीवर, तो लीवर निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिए सारे के सारे, ये बोन बिल डाल देता हूँ मैं सारे।
अब मैंने ये ऐसे ही सेम ऐसे ही कनेक्शन करने हैं आपको। ये देखो अपनी जैसे पिस्टन के कनेक्शन किए हैं ऐसे ही सेम कनेक्शन करने हैं आपने। तो देखो कितना सारा शुगर केन आ गया इतनी देर में, और ये बहुत तेज वर्क करता है भाई। अब तो गाइस आई होप आपको ये फार्म अच्छा लगा होगा। अगर फार्म अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।